नवाज शरीफ के खिलाफ एक और जीआईटी बन गई। पाक पतन अराजी केस की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी तश्कील दे दी। खालिद दादलक सरबरा होंगे। आईएसआई और आईबी का एक एक रुकन शामिल होगा। एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ ने कहा था उनका जीआईटी का तजुर्बा अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा केस की समाअत। ख्वाजा साद रफीक भी अदालत में पेश। ख्वाजा साहब आगे आ जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर साबिक वजीर रॉस्ट्रूम पर आ गए। नैब की तहवील में था वकील मुर्तजा से राबता ना हो सका। साद रफीक के बयान पर समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक वजीर रेलवे साद रफीक का कहना है कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, जबर किया जा रहा है। एक दिन इंसाफ जरूर होगा। नैब में रिफॉर्म्स की जरूरत है। मुलजिमों के कमरों में कैमरे लगाना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म की बहन अलीमा खान की मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में पेश। बताएं जायदाद कैसे बनाई। चीफ जस्टिस का अलीमा खान से सवाल। अदालत का अलीमा खान को एक हफ्ते में 2,94,00,000 रुपए जमा कराने का हुक्म। अगर रकम जमा ना कराई तो जायदाद जब्त कर ली जाएगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क। 3,70,000 डॉलर की जायदाद पिछले साल फरोख्त कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की बहन अलीमा खान का बयान। अरबों रुपए इंजन वाले खा गए। लोगों को पैसा इतना प्यारा हो जाता है कि जेल जाना पसंद करते हैं, पैसा देना नहीं। अदालत चाहे तो इंजन स्कीम को टेक ओवर कर ले। केस के समाप्त के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी पेश। हमने साबित किया बच्चों के अपने ज़राए आमदन नहीं थे। शरीफ फैमिली सऊदी अरब में इकट्ठी थी। कैसे कह सकते हैं कि नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया स्टील के क़याम का इल्म नहीं था। ना प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर का जवाबुल जवाब। नवाज शरीफ के वकला की मुदाखलत पर जज की बरहमी। कहा आज का दिन नैब का है, उन्हीं की सुनेंगे। नैब के नोटिसेस गैर कानूनी है, ये सियासी इंतकाम है, इसके सिवा कुछ नहीं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल का कंपनी के मामला से कोई ताल्लुक नहीं। फारूकेश नाइक की मीडिया से गुफ्तगू। मैं जाता हूं वहां के पास, वो रोजा रसूल हो, वो खाने काबा हो, तवाफ करते हुए, वो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है, ये कुछ सड़क हो। मुझे जब पाकिस्तान के अवाम का बंदा मिलता है ना, मुझसे ना वो पूछता है अफराते जर ना कुछ, वो मुझसे सिर्फ एक पूछता है सर चोरों को कब अंदर डालेंगे। अवाम का एक ही सवाल है, चोरों लुटेरों को कब पकड़ा जाएगा। जेब काटने वाले को जेल होती है, मुल्क लूटने वालों को भी जेल में होना चाहिए। मुआशरे में इंसाफ की फराहमी अबलीन तरजीह है। करप्शन खत्म किए बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। वजीर खजाना असद उमर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा डॉलर की कीमत हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही। मरकजी बैंक ने रुपए की कदर घटाई। एक और वजीर मौसूफ ने खड़े होकर पार्लियामान के अंदर ये कहा कि 7 लोगों ने मुझसे एनआरओ मांगा हुआ है। क्या मुराद सईद ने एनआरओ की रेडी लगाई हुई है? क्या ये इनका सौदा बिक नहीं रहा? आवाम इन पे यकीन नहीं कर रही। कल एक वजीर ने कहा 7 लोगों ने एनआरओ मांगा, क्या मुराद सईद ने एनआरओ की रेड़ी लगाई हुई है। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि एहतसाब और इंसाफ होता नजर आना चाहिए। हम चाहते थे नैब के काले कानून में इस्लाहात हो।
اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دیا گیا، قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ میاں صاحب، ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ صحافی کا سوال، آپ بتائیں، دعا کریں، اللہ ملک کے لیے بہتری کرے۔ شہباز شریف کا جواب۔ وزیراعظم عمران خان آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے، اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج کا امکان۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 168 لاہور میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ، تحریک انصاف کے ملک اسد اور نون لیگ کے خالد قادری کے درمیان کانٹے کا مقابلہ، یہ سیٹ خواجہ سعد رفیق نے خالی کی تھی۔ سندھ میں گیس کا بحران، چوتھے روز بھی سی این جی اسٹیشنز ویران، سڑکوں سے بسیں غائب، مسافر پریشان۔ گیس بحران پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اظہار تشویش، وفاق سے گیس کی بحالی کا مطالبہ، کہتے ہیں آئین کے تحت گیس پر پہلا حق سندھ کا ہے۔ پنجاب خیبر پختونخوا، سندھ میں سردی، بلوچستان میں کڑاکے کا جاڑا، کوئٹہ کا پارا -4، قلات کا -6 ڈگری تک گر گیا۔ کوئٹہ کی سرد ہواؤں نے کراچی کا رخ کر لیا، کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔